माँ की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन रेसिपी झुनका, जो खाने में टेस्टी और बनाने में बहुत इजी रेसिपी है। आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस में एक बर्तन रखेंगे और उसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे। इसके लिए ऑयल ज़्यादा ही लगता है, तो जो भी आप सब्जी में ऑयल डालते हैं तो उससे 1 चम्मच आप बढ़ाकर ही इसमें ऑयल डालिए। फिर डालेंगे इसमें हम हींग का तड़का और ऊपर से डालेंगे हम 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई दाना और जब ये चटकने लगे राई के दाने फिर हम ऊपर से डालेंगे इसमें जो मैंने बनाया है अदरक और लहसुन का ऐसे कूट के, तो उसको हम इसमें डालेंगे तड़के में। आप इसके छोटे छोटे पीस करके भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से हम तड़के को भून लेंगे। ऊपर से मैंने कटी हुई हरी मिर्च ली है, उसको भी हम डाल लेंगे। आप आवश्यकता के अनुसार डालिए। और थोड़ा सा हरा धनिया भी हम इसमें तड़के में डालेंगे, जिससे इसका और भी स्वाद बढ़ जाता है। अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए प्याज, 1 बाउल मैंने यहाँ पे लिया है। इसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारा अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 स्पून टर्मरिक यानी हल्दी और 1 चम्मच गरम मसाला। आवश्यकता के अनुसार आप लाल मिर्च और नमक डालिए। सभी को इसी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा मसाले हमें कुछ भी इसमें नहीं डालने हैं। अब हम इसमें डालेंगे हरी प्याज। हरी प्याज को मैंने इस तरह से महीन कट कर दिया है। इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है इसमें। इसके जगह आप हरा लहसुन की पत्तियां भी ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है इसमें। ऑप्शनल है, आप कुछ भी इसमें डाल सकते हैं, प्याज या लहसुन, उससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। इसको भी हम अच्छे से इन मसालों में मिक्स करके भून लेंगे और इसे थोड़ा सा पकने देंगे प्याज को। प्याज हमारा अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें डालेंगे चने का आटा। यहाँ पे मैंने 1 बाउल चने का आटा लिया है। चने के आटे को इस तरह से हमें डालना है, इकट्ठे नहीं डालना है, हमें पूरी सब्जी में इस तरह से उसे फैला देना है। एक बार में हमको ये आटा नहीं डालना है, इससे हमारे सब्जी में चने की आटे की गांठ बन जाएंगी। तो इस तरह से हमें इसको फैला देना है पूरा मसाले के ऊपर। और अब हम इसको करेंगे इस तरह से मिक्स, जिससे हमारी गांठें नहीं बनेंगी, अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। अगर हम एक साथ में इसे डाल देंगे तो ये गांठें बनने लगेगी हमारी। इस तरह से इसमें बिल्कुल भी गांठें नहीं बनेंगी। चने का आटा अच्छी से मसालों में मिक्स हो गया है। अब हम हल्का सा इसमें पानी छिड़क के इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। पानी भी हमें इसके लिए गुनगुना लेना है, एकदम ठंडा पानी हमें इसमें यूज नहीं करना है।
गुनगुना पानी हमें लेना है और सीधे इसमें नहीं डालना है, ऐसे हाथों में लेके ऐसे ऊपर से छिड़क देना है ऐसे, और एक ढक्कन से इसको कवर कर देना है। 2 मिनट इसे सिम आंच में हम पकने को छोड़ देंगे, स्टीम होने देंगे और फिर से हम इसे चेक करेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे चेक करते हैं। अच्छे से हमारा ये बन रहा है। अभी हमें थोड़ा सा और हम इसमें पानी छिड़केंगे कि अच्छे से हमारा तैयार हो जाए। तब ऊपर से फिर से हमें गुनगुना पानी लेना और हाथों से ही इस तरफ से छिड़कना है, एकदम से पानी इसमें नहीं डालना है, सभी जगह ये पानी हल्का हल्का जाना चाहिए। और फिर से हम इसको ढक के 2 मिनट फिर पकने के लिए स्टीम में छोड़ देंगे। इसी तरह से हमें 2 से 3 बार पानी छिड़क के इसको सिम आंच में स्टीम देना है। इसी तरह से हल्का पानी छिड़क के लीजिए। अभी हमारा झुमका दिखने में भी बहुत सुंदर दिख रहा है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा है और इसकी खुशबू भी बहुत बहुत अच्छी आ रही है, यानी अच्छी से भुन गया है हमारा। तो हमारा ये महाराष्ट्रियन डिश बनके रेडी है बिल्कुल। अब हम इसमें डालेंगे ऊपर से हरा धनिया, और इसी में हम मिक्स कर लेंगे धनिया को। लीजिए हमारी डिश बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। इसे आप बाजरे के रोटी के साथ और गेहूं के रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। आप भी इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई कीजिए और कैसी लगी कमेंट करके बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।